Good morning, children. I hope that all of you are enjoying good health. And now the vacation has ended and we are about to start our first term. Dear children, let me remind you about your syllabus. तो मेरे प्यारे बच्चों, ये देखो ये syllabus है class 4th subject हिंदी. Syllabus है first term और ये हमारा September में होगा बच्चों. पार्ट थर्ड है हमारे बुक का ऐसे थे वे और पार्ट फोर है गुजरात की सैर. पार्ट सेवन है आँखों की देखभाल. तो तीन चैप्टर हैं बच्चों, तीसरा चौथा और सातवां. अब नीचे बच्चों व्याकरण है हमारी संज्ञा परिभाषा भेद, ये पार्ट नंबर फोर है. पार्ट फाइव है बच्चों लिंग की परिभाषा व वेद. पार्ट सिक्स है बच्चों वचन पेज, पेज नंबर है 33, 34. पत्र है एक हमारा, टॉपिक है फीस माफी हेतु. उसके बाद एक निबंध है मेरा मित्र और लास्ट में बच्चों चित्र वर्णन. ये था हमारा सिलेबस, लेकिन आप लोगों के पास भी सिलेबस है, ठीक है. ये मैंने आपको जानकारी दे दी. तो बच्चों इसके साथ ही अब हम बुक पे आते हैं. सभी बच्चे अपनी 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 बुक खोलो, ठीक है. बुक में हम आते हैं फर्स्ट टर्म में. हमारा चैप्टर है ऐसे थे वे. तो बच्चों ऐसे थे वे किसके लिए आया, बाल गंगाधर तिलक के लिए. प्रेरक प्रसंग, बच्चों प्रेरक प्रसंग क्या होती है, ऐसी घटना जिससे हमें कोई सबक मिले, सीख मिले, प्रेरणा मिले. तो बच्चों पढ़ते हैं, पढ़ने के साथ साथ मैं आपको एक्सप्लेन भी करती जाऊंगी. सब बच्चों ने ध्यान से सुनना है, ठीक है. मैं शुरू करती हूँ. सब बच्चों ने मेरे पीछे पीछे ध्यान से सुनना है. ये घटना उन दिनों की है जब बाल गंगाधर तिलक आपकी तरह पाठशाला में पढ़ते थे. एक दिन अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे थे. तिलक अपने दोस्तों से बातें करने में मगन थे. मगन क्या होता है बच्चों, लीन थे, मस्त थे. ये देखकर अध्यापक महोदय ने उन दोनों को खड़ा किया और उनसे पाठ के विषय में कुछ प्रश्न पूछे. तिलक ने सारे उत्तर ठीक ठाक बता दिए, लेकिन उनका दोस्त कुछ भी नहीं बता पाया. अध्यापक महोदय ने तिलक को बैठने के लिए कहा और उनके दोस्त से बोले, क्या बोले बच्चों, देखो तिलक ने तो अपना पाठ सुना दिया. मैं समझता हूँ कि बातें तुम कर रहे थे तिलक नहीं, इसलिए तुम्हें ही सजा मिलनी चाहिए, तुम खड़े रहो. अब इसमें क्या बताया है बच्चों कि एक बच्चा था जिसका नाम बाल गंगाधर तिलक था. वो भी बच्चों आपकी तरह पाठशाला में पढ़ने जाते थे. जैसे आप बच्चे पाठशाला में पढ़ने आते हैं, लेकिन आप लॉकडाउन की वजह से अब घर में ही पढ़ रहे हो. तो एक दिन अध्यापक जो थे वो कक्षा में बच्चों पढ़ा रहे थे. तो तिलक जो थे वो अपने दोस्त के साथ बातें करने में मस्त थे. जब अध्यापक ने उनको देखा तो दोनों को खड़ा कर दिया और उनसे पाठ के बारे में कुछ प्रश्न पूछे. तिलक ने बच्चों सारे उत्तर दे दिए, लेकिन उनका जो दोस्त था उसने कुछ भी उत्तर नहीं दिया. अब अध्यापक महोदय ने तिलक को बिठा दिया और उनके दोस्त को क्या कहा, क्या बोले, देखो तिलक ने तो अपना पाठ सुना दिया. मैं समझता हूँ कि तिलक बातें नहीं कर रहा था, तुम बातें कर रहे थे, इसलिए सजा तुम्हें ही मिलनी चाहिए, तुम खड़े हो जाओ. अब उसके बाद बच्चों वह बालक अध्यापक महोदय का आदेश पाकर खड़ा ही रहा. दोस्त को सजा मिलते देखकर तिलक फिर से खड़े हुए और बोले, क्या बोले, अध्यापक जी मेरा दोस्त ही नहीं बल्कि मैं भी बातें कर रहा था. अब जब दोस्त को सजा मिली खड़े होने की, तो तिलक से रहा नहीं गया और वो अपने टीचर से बोले कि अध्यापक जी मेरा दोस्त ही नहीं, मैं भी उनसे बातें कर रहा था, तो सजा मुझे भी मिलनी चाहिए. अध्यापक महोदय ने पूछा कि तुमने सारा पाठ कैसे सुना दिया. अब तिलक ने क्या बोला, अध्यापक महोदय एक बार सुनकर ही मुझे पूरा पाठ याद हो जाता है. अध्यापक महोदय तिलक की सच्चाई पर प्रसन्न हुए. तिलक ने सच बोल दिया कि गुरुजी मुझे एक ही बार सुनने से पाठ सारा
याद हो जाता है। अब जो नीचे देखिए, सोचिए और बताइए, क्या अध्यापक तिलक को भी सजा देंगे? हाँ या नहीं? तो उत्तर क्या है? नहीं, क्योंकि उसने तो सारे पाठ का उत्तर जो था वो ठीक ठाक दे दिया। आगे आ जाइए। फिर भी उन्होंने तिलक को समझाते हुए कहा, तुम बुद्धिमान हो इसलिए तुम्हें एक बार में ही पाठ याद हो गया, लेकिन तुम्हारा दोस्त इतना होशियार नहीं है इसलिए उसे पाठ नहीं याद हो सका। बेटा, बुद्धिमान होने का ये अर्थ नहीं कि तुम दूसरों की पढ़ाई में अड़चन डालो। अब टीचर ने तिलक को समझाते हुए कहा कि तुम बुद्धिमान हो, लेकिन बुद्धिमान का ये अर्थ नहीं कि तुम दूसरों की पढ़ाई में अड़चन डालो। ठीक है, क्योंकि वो तो सारे पाठ याद कर दिया था, उसके दोस्त ने कोई भी प्रश्न का उत्तर जो था वो टीचर को नहीं सुनाया ठीक ठाक। तो आगे तिलक ने अपनी भूल के लिए माफ़ी मांगी। अध्यापक महोदय ने उन्हें माफ़ करते कहा, तुम एक अच्छे बालक हो, तुम में महान व्यक्ति बनने के गुण हैं। याद रखो, क्या याद रखो? हमें अपनी बुद्धि का प्रयोग सदा सही दिशा में करना चाहिए। अगर हमें भगवान ने बुद्धि दी है सोचने के लिए, तो हमें उसका प्रयोग जो है वो सही दिशा में बच्चों करना चाहिए। वही तिलक बड़े होकर आपको पता वो क्या बना? एक महान नेता, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के नाम से जाने गए, और देश की आज़ादी के लिए उन्होंने बहुत संघर्ष किया। उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने ही भारतीयों को नारा दिया था। क्या नारा दिया था उन्होंने? क्या नारा लगाया था? स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसे लेकर ही रहेंगे। ठीक है, तो इन्होंने भी जब हमें आज़ादी चाहिए थी तो इन्होंने भी बढ़ चढ़ कर क्या दिया, उसमें हिस्सा दिया। ठीक है बच्चों, तो ये बच्चों आपने रीडिंग करनी है इसकी एक दो बार, आपको भी अच्छी तरह से समझ आ जाए। इसके बाद बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली, क्या संदेश मिला? हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। किसकी तरह? बाल गंगाधर की तरह। ठीक है, हमें हमेशा सच बोलना चाहिए और दूसरों की भलाई का भी ध्यान रखना चाहिए। ये थी हमारी शिक्षा। ठीक है, आगे है बच्चों शब्दक। ये आपने अपनी कॉपी पर सुंदर सुंदर राइटिंग से लिखने हैं। पर्सन, खुश, अड़चन, रुकावट या बाधा, सदा का मतलब हमेशा, संघर्ष, लड़ाई या टकराव, आदेश, आज्ञा, जन्म से, जन्म लेने के साथ ही मिलने वाला, होशियार, सज, बुद्धिमान, होशियार, माफ़ी, क्षमा, अधिकार, हक, अध्यापक, शिक्षक या टीचर, गुरु भी कह सकते हो, गुण, विशेषता, सजा, दंड, स्वतंत्रता, आज़ादी, पाठशाला, विद्यालय, महोदय, सज्जन व्यक्ति, योगदान, सहायता देना, बुद्धि, अकल, दिमाग। इसी के साथ बच्चों पीछे आ जाइए, ये हमने मौखिक बुक पे ही लिखनी है। ठीक है बच्चों, ये आपने अपनी नोटबुक पे नहीं लिखनी है, ये बुक पे ही लिखनी है। सच्चा दोस्त किसे कहते हैं पता आपको? सच्चा दोस्त किसे कहते हैं? जो मुसीबत में काम आए। खा पाठ है, आपको अपनी पाठशाला कैसी लगती है? आपको कैसी लगती है? बहुत अच्छी लगती है। अंत में अध्यापक ने तिलक को क्या समझाया? क्या समझाया? हमें अपनी बुद्धि का प्रयोग सदा सही दिशा में करना चाहिए। आगे बच्चों लिखित है। लिखित क्या होता है? लिखने वाला काम। दिए गए वाक्यों में सही या गलत का निशान लगाइए। क पाठ है, बाल गंगाधर तिलक पाठशाला में पढ़ते थे ना, इसको हम लगाएंगे सही का निशान। ख है, अध्यापक का आदेश पाकर बालक खड़ा नहीं हुआ, ये गलत है, ये हम गलत का निशान लगाएंगे। तिलक ने अध्यापक के सामने सच बोला, ये सही है, तो सही का निशान लगाएंगे। तिलक का दोस्त खूब होशियार था, नहीं था ना, तभी तो उसको प्रश्न के उत्तर याद नहीं हुए, तो ये गलत है, यहाँ पे गलत का निशान लगाएंगे। प्रश्न दूसरा है बच्चों, दिए गए प्रश्नों के उत्तर में सही निशान लगाइए। क पाठ है, अध्यापक ने किसे सजा दी? गंगाधर के दोस्त को, बाल गंगाधर को, किसी को भी नहीं। तो बच्चों सही उत्तर है गंगाधर के दोस्त को। ठीक है बच्चों, आगे ख पाठ है, बाल गंगाधर तिलक ने किसके लिए संघर्ष किया?
देश की गुलामी के लिए, देश की आज़ादी के लिए, अपने दोस्तों के लिए। तो सही उत्तर है बच्चों हमारा देश की आज़ादी के लिए। तो इसी के साथ बच्चों धन्यवाद।